दोस्तों सातवन राजवंश को आंध्र सातवन राजवंश भी कहा गया। सातवन राजाओं ने 150 वर्ष तक शासन किया। इस राजवंश की स्थापना 230 BC में सातवन राजा सिमुक ने की। सातवन साम्राज्य में मोस्टली आज के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र शामिल थे। अलग अलग समय में उनका शासन आधुनिक गुजरात, MP और कर्नाटक के कुछ हिस्सों तक फैल गया। सिमुक सातवन वंश का संस्थापक, जिसने 230 BC से 207 BC तक 23 वर्ष तक शासन किया। इसके बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं मिलती। पुराणों से पता चलता है कि नंद वंश के सम्राट महापद नंद के 4th सन सम्राट राष्ट्रपाल ने ही आगे चलकर सातवन वंश की नींव रखी, जो कि सम्राट सिमुक के पिता भी थे। वही पुराण के अनुसार सम्राट सिमुक ने कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सिमुक की बच्ची शक्ति को समाप्त कर शासन किया। पुराण में सिमुक को सुशुभ, सिंधु और सिप्रक समनंद आदि नामों से पुकारा गया। नानाघाट के लेख में उसे राजा सिमुक सातवन कहा गया। जैन गाथाओं के अनुसार उसने जैन और बौद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था। अपने शासन के अंतिम दिनों में वे दुराचार्य होने के कारण राजा की गद्दी से हटाकर हत्या कर दी गई। सिमुक के बाद उसका छोटा भाई कर्ण या कर्षण राजा बना, जिसने 207 BC से 189 BC तक राज किया। क्योंकि सिमुक का पुत्र सतकर्णी अवयस्क था, कर्षण ने अपने साम्राज्य नासिक तक बढ़ाया। उसने श्रवण नामक एक महापत्र ने नासिक में एक गुहा का निर्माण करवाया। यहाँ से प्राप्त एक उल्लेख में कृष्ण के नाम का उल्लेख मिलता है। उसने 18 वर्ष तक राज किया। कृष्ण की मृत्यु के बाद राजा सिमुक के बेटे सातकर्णी, जिसे हिस्ट्री में प्रथम सातकर्णी भी कहा गया, जिसने 179 BC से 133 BC तक 46 वर्ष तक राज किया। अपने वंश में सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा था। सातकर्णी प्रथम समय के सातवन नरेशों में सबसे महान सम्राट थे। उसने यंगी कुल के महारटी त्रनकियोरो की पुत्री नायनिका या नागनिका के साथ विवाह कर अपना साम्राज्य बढ़ाया। सातकर्णी प्रथम ने पत्नी मालवा, अनूप और विद्रुप के प्रदेश पर विजय प्राप्त की। सातकर्णी को कलिंग नरेश खारवल के आक्रमण का भी सामना करना पड़ा। आतिक उपाय लेख से पता चलता है कि अपने राजभवन के दूसरे वर्ष खारवेल ने सातकर्णी की परवाह ना करते हुए पश्चिम की ओर अपनी सेना भेजी। प्राप्त प्रमाणों से जानकारी मिलते कि सम्राट सातकर्णी ने खारवेल का प्रबल विरोध किया, जिसके चलते कलिंग नरेश खारवल को वापस लौटना पड़ा। उसने दो यश में और राजस्व यज्ञों का अनुष्ठान किया। प्रथम यश में यज्ञ राजा बनने के तत्काल बाद, दूसरा अपने शासन के अंत में किया होगा। दसवें यज्ञ के बाद उसने अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं उत्तीर्ण करवाई और उसने दक्षिणा पदपति और अपृत हर चक्र जैसी महान उपाधियां धारण की। सातकर्णी प्रथम पहला शासक था जिसने सातवन राजवंश को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। सम्राट सातकर्णी के डेथ की बाद सातवनों की शक्ति कमजोर होने लगी। नानाघाट के लेख उसके दो अवयस्क पुत्र बेसश्री और शक्तिश्री का उल्लेख मिलता है, जिसके चलते सातकर्णी प्रथम की पत्नी नयानिका ने राज्य की बागडोर संभाली। राजा के बाद सातवानों का इतिहास पतन की ओर बढ़ने लगा। लगभग आधी शताब्दी की उठापटक और सख्त शासकों के हाथों मिली हार के बाद गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी के नेतृत्व में अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त किया। गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी सातवां वंश का सबसे महान शासक था, जिसने 106 ईसा से 130 ईसा तक 25 वर्षों तक राज करते हुए न केवल अपने साम्राज्य की कोई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया, बल्कि एक विशाल साम्राज्य की भी स्थापना की। गौतमीपुत्र के समय और उसके बीजों के बारे में हमें उनकी माता गौतमी बलश्री के नासिक शिलालेख से संपूर्ण जानकारी मिलती है। कुछ इतिहासकारों के द्वारा गौतमीपुत्र सातकर्णी को राजा शालिवाहन भी कहा गया। उन्होंने पूरे भारत को एकजुट करके विदेशी हमलावर से बचाया। सम्राट गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी, जिसके बारे में एक लेख से जानकारी मिलती है कि उसने सख्त क्षत्रियों के अहंकार को कुचलकर सातवनों की शान को बढ़ाया। उसका वर्णन शक, यवन और पल्लव शासकों के विनाशकर्ता के रूप में हुआ। उसकी सबसे बड़ी जीत छेराद वंश के संघ शासक नफवान और उसके वंशज के सम्राट सातकर्णी के हाथों ही पराजय थी। पुराणों में सातकर्णी प्रथम और गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी के बीच शासन करने वाले 10 से 19 राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इनमें केवल 3 राजाओं के बारे में ही इतिहासकारों को दूसरे स्तरों से भी जानकारी मिली। फुलमा भी एक सातवन सम्राट थे, जो सातवन सम्राट गौतमीपुत्र सातकर्णी के पुत्र थे, जिसने पिता गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद 130 ईसा से 158 ईसा तक
28 वर्षों तक राज किया। इसके शासनकाल के दौरान क्षत्रपों ने नर्मदा की उत्तर भूमि और उत्तरी कोंकण को जीत लिया। उलुमामी और रुद्रमान के बीच दो बार युद्ध हुआ। इन दोनों युद्धों में रुद्रमान ने जीत हासिल की। इसने भी महाराज और दक्षिण उपेश्वर की उपलब्धि धारण की। इसका उल्लेख अमरावती लेख में मिलता है। आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त करने के बाद इसे प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया। वशिष्ठ पुत्र श्री पुलमामी के बाद उसका भाई वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी राजा बना, जिसने 158 ईसा से 168 तक 10 वर्षों तक राज किया। वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी के बाद यक्ष श्री सातकर्णी अंतिम शक्तिशाली सातवां शासक थे, जिसने 170 ईसा से 200 ईसा तक 30 वर्षों तक राज किया। उनके शासन के बाद साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। यक्षेरी की मृत्यु के बाद सातवां साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया शुरू होने लगी। इसके बाद सातवां साम्राज्य अनेक छोटे छोटे राज्यों में बट गया। पुराणों में यक्षेरी के बाद शासन करने वाले शासकों में चंद्रश्री और पुलमा के नाम मिलते हैं, परंतु उनमें से कोई इतना योग्य नहीं था कि विघटन की शक्तियों को रोक सके। दक्षिण पश्चिम में सातवनों के बाद आम्बीर, आंध्र प्रदेश में इच्छावकु और कुतल में चटु सातकर्णी वंशों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।